में पेश आने वाला वाकया फैसलाबाद में डोर लगने से एक नौजवान का गला कट गया जिसकी वहाँ पे मौके पे हलाकत हो गई। तो आपके छोटे से शौक ने किसी की जान ले ली, किसी के घर को उजाड़ दिया, तो ऐसे शौक से बिल्कुल इत्तनाब करें। पंजाब पुलिस का कहना है कि अगर किसी भाई कोई जानता हो जहाँ पे डोर बनती है, यहाँ पे पतंगे बनती है, जहाँ पे ये केमिकल बनती है, अगर कोई जानता हो तो उसे 15 पे इतला दी जाए और उसका नाम सिगाए राज में रखा जाएगा और जो डोर बनाने वाली कंपनी फैक्ट्री और जो भी कारखाना है उसे कैफरे करदार तक पहुंचाया जाएगा। और दूसरी खबर ये आ रही है कि मोहम्मद आसफ जो कि फैसलाबाद में डोर लगने से इंतकाल कर गया, उसकी माँ हार्ट अटैक से इंतकाल कर गई। ये खबर बिल्कुल फेक है, चंद व्यूज़ और चंद लाइक्स लेने के लिए कुछ लोगों ने ये खबर चला दी। हमारी अभी उन मोहम्मद आसफ के भाई से हमारी बात हुई है तो वो कहते हैं ये खबर बिल्कुल फेक है, चंद व्यूज़ और चंद लाइक्स लेने के लिए लोगों ने ये खबर बना के टिकटॉक और यूट्यूब और सोशल मीडिया पे फैलाना शुरू कर दिया है। इस खबर की पहले तस्दीक कर लें ताकि आपको मुकम्मल तफसील पता चल जाए, ये खबर फेक है। किसी को अगर आप दुख बांट नहीं सकते, दुख शेयर नहीं कर सकते तो उसके मज़ीद परेशानियों में इजाफा ना कीजिएगा। अपने लाइक्स और थोड़े से सब्सक्राइबर और थोड़े से लाइक्स के लिए ऐसी फजूल और बेबुनियाद खबरें बिल्कुल ना फैलाए। यहाँ पे थाना अलाहाबाद से खबर आ रही है, मोहम्मद अशरफ SHO मोहम्मद अशरफ साहब ने बड़ी कार्रवाई की और ढेरों सारी पतंगे और पतंग बनाने वाले और बेचने वाले वहाँ पे धर लिए गए हैं। मोहम्मद अशरफ का कहना है कि हम इन्हें कैफरे करदार तक पहुँचाएंगे, ऐसे इन्हें नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा, जो लोग इनकी जमानत और इनकी सिफारिश के लिए आते हैं वो भी ख्याल रखें, ये आपका बेटा, आपका भाई, आपका बाप भी हो सकता है जो पतंग की डोर लगने से जहाँ भाग हो सकता है। आप ये सोचें अगर ये आपके भाई के साथ हुआ हो, आपके बेटे के साथ हुआ हो, तो आपके घर पे क्या बीतेगी। तो इसलिए इस छोटे इस घिनौने शौक से इज्तनाब करें और अपने आसपास अपने दोस्त अहबाब जितने भी आपके दोस्त ऐसे हों उन्हें मना करें कि ऐसा बिल्कुल भी कोई खूनी खेल ना खेलें। अगर वो नहीं मना होते तो 15 पे कॉल करें और 15 पे इतला दें और वहाँ पे उन्हें पुलिस पकड़ के ले जाए ताकि ये खूनी खेल मजीद रोका जाए। और एक और बात, जो दोस्त जितने भी दोस्त उबर क्रीम इन ड्राइवर या फूड पांडा या बाइक की सवारी करते हैं उनसे गुजारिश है कि सुबह हमारे साथ पंजाब की ट्रैफिक पुलिस ने मिलके सेफ्टी रोड लगाए हैं और ये स्क्रीन पे आपको तस्वीर शो हो रही होगी, ऐसे ही सेम सेफ्टी रोड आप अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूर अपनी बाइक्स पे लगाएं ताकि आप मुकम्मल तरीके से सेफ हों। जान तो अल्लाह के हाथ में है, मुकम्मल बहरहाल ख़ुद भी कोशिश करनी चाहिए कि सेफ रहना चाहिए। ये वाले सेफ्टी रोड आप भी लगाएँ और अपनी ज़िंदगी को सेफ रखें। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।